तो हेलो गाइस, माय नेम इज रोव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वॉच। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रोमन रेंस के WWE यूनिवर्सल टाइटल रेन के बारे में। बेसिकली वो टाइटल रेन अभी रीसेंट टाइम का दूसरा सबसे लंबा टाइटल रेन है। ऑब्वियसली पहले यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आते हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि यार रोमन रेंस सारा टाइम तो यहाँ पे WWE चैंपियन नहीं बने रहेंगे ना, यार कोई तो ऐसा बंदा होगा जो उनसे वो वाला टाइटल ले लेगा। तो कौन सा बंदा हो सकता है रीसेंट टाइम में, मतलब अभी के टाइम में? ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अगले एक साल में, अगले दो साल में, अभी कुछ महीनों में। तो ऐसे में आपको 5 सुपरस्टार बताऊंगा जो कि यहाँ पे WWE में रोमन रेंस वाला चैंपियनशिप ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है केविन ओवंस का। केविन ओवंस ने यह बात खुद कही है कि भाई अगर मैं WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं भाग रहा हूँ ना, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे बिल्कुल ही कट हो गया हूँ। मैं WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता रोमन रेंस है उसमें, रोमन रेंस के पास है, सेजारो के पास है, सेथ रॉलिंस के पास है, मैं उस चैंपियनशिप के लिए आऊंगा। और ऑब्वियसली बात है यार, अगर कोई बंदा यहाँ पे मतलब अगर हराता है रोमन रेंस जैसे नाम को, तो यार ऑब्वियसली कुछ बड़ा सुपरस्टार ही होना चाहिए। केविन ओवंस अपने आप में ठीक सुपरस्टार है, तो हो सकता है वो यहाँ पे हराएं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे नाम आता है एज का। मैं आपको बता दूं कि एज ने ये बात साफ कही है कि उनके बहुत सारे मैचेस यहाँ पे WWE में रहे थे और साल के कुछ नहीं तो उन्हें 5 मैच उन्होंने लड़ने ही है जो अभी कॉन्ट्रैक्ट में। और उनका ये भी कहना है चाहे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मैच हो या ना हो, अगर मेरा मन करेगा रेसल करने का तो मैं आ जाऊंगा WWE में और मैं आके लड़ूंगा। तो भाई ऑब्वियसली ये मैच भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार रोमन रेंस के यहाँ पे सिंगल मैच नहीं हुआ एज के साथ, रेसलमेनिया में यहाँ पे डैनियल ब्रायन भी थे, तो ये वाला मैच भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और स्पेशली अगर ये मैच होता ना तो भाई अपने को तो मजा आ जाना, क्योंकि अपने को बहुत इंसेन यहाँ पे मैच दिखने वाला है भाई। तीसरा नाम आता है गोल्डबर्ग का। मैं आपको बता दूं कि इस बार इस वाले साल में गोल्डबर्ग का एक मैच रह गया उनके कॉन्ट्रैक्ट में। अब मुझे नहीं पता अगर वो मैच रोमन रेंस के साथ नहीं होगा तो वो मैच किसके साथ होगा भाई, क्योंकि गोल्डबर्ग ने खुद कहा है, द बम का एक एपिसोड हुआ था काफी महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि रोमन रेंस ने मेरा फिनिशर चुराया और वो बंदा मेरे से रेसलमेनिया 36 में लड़ने वाला था, पर उसने वो वाला मैच करा नहीं। तो ऑब्वियसली ये वाला मैच हमें दिखाई दे सकता है। वो कहते हैं कि मेरा स्पेयर उसने चुराया और वो स्पेयर अच्छे से परफॉर्म भी नहीं करता है, तो मुझे उसके साथ एक मैच चाहिए। तो हो सकता है इस साल हमें उन दोनों का मैच भी दिखाई दे जाए। और कोई बड़ी बात नहीं कि भाई गोल्डबर्ग को यहाँ पे WWE चैंपियनशिप जिता देता है, भाई WWE का दिमाग कभी भी घूमता है और वो कुछ भी कर देता है, तो हो सकता है भाई गोल्डबर्ग उनसे वो वाली चैंपियनशिप ले लें। अगले आते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस। और भाई कितना अच्छा होगा कि शील्ड ब्रदर्स हमें आपस में लड़ते हुए दिखाई दे और उसमें सेथ रॉलिंस रोमन रेंस वाली चैंपियनशिप ले लेते हैं। और ऑब्वियसली अभी तो यहाँ पे सेजारो में थोड़ा सा बिजी मुझे लग रहे हैं, लेकिन भाई वो आएंगे एट द एंड WWE को, उनको यहाँ पे रोमन रेंस के साथ लड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मैकडाउन पे रोमन रेंस के बाद सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस का ही है। तो भाई उन दोनों का मैच देखने में बहुत मजा आएगा। और अगर सेथ रॉलिंस वो वाली यहाँ पे चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो भाई इंसेन ही हो जाएगा, फिर उनको कैसा पुश मिलने वाला है मुझे नहीं पता भाई, वो बहुत इंसेन होगा। अब लास्ट में ऑब्वियसली आते हैं, मुझे वाला नाम जरूर रखना था और वो है ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कभी भी हो सकता है यार, वो WWE में तो आएंगे ही मुझे ऐसा लग रहा है, और वो हो सकता है कि समर स्लैम में आ जाए, सर्वाइवर सीरीज में आए, कभी भी आए, लेकिन वो जरूर आएंगे। और मुझे सिर्फ एक बंदा दिख रहा है और वो है रोमन रेंस, जिसके साथ वो यहाँ पे मैच लड़ सकते हैं। और वो दोबारा से जो उनका यहाँ पे रेन चला इतना लंबा, वो हो सकता है वो तोड़ने आए रोमन रेंस का। तो भाई अगर वो ये कर इस स्टोरीलाइन को यहाँ पे WWE लेके जाता है कि भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पे होता है और वो कहते हैं कि रोमन रेंस मैं तुम्हारे यहाँ पे टाइटल रेन तोड़ दूंगा ताकि तुम मेरे से आगे ना निकल पाओ, तो भाई ये तो अलग ही स्टोरी लाइन हो जाएगी, अलग लेवल है, तो ये बहुत इंसेन होगा। आपको इन पांचों नामों में से कौन सा नाम ऐसा लगता है कि WWE यहाँ पे उसको यहाँ पे हरवा, मतलब रोमन रेंस को यहाँ पे हरवा देगी उस बंदे से? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।